मुझे यार एक बात बताओ, जो बॉर्डर मूवी थी जब उसमें इंडिया पाकिस्तान की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, दाएं दाएं गोलियां चल रही थी, तो सुनील शेट्टी जी एज ए इंडियन आर्मी सोल्जर पाकिस्तानी सेना के एक टैंक को उड़ाने के लिए लैंडमाइन लेकर टैंक के पीछे भागते हैं, और वह जो पाकिस्तानी सेना के टैंक का जो ड्राइवर है वह टैंक को भगाता है फुल स्पीड में पीछे की तरफ टैंक को बचाने के लिए। तो सुनील शेट्टी जी जैसे तैसे गोलियों से बच बचा के लैंडमाइन को टैंक के ट्रैक के नीचे डाल देते हैं और फिर ब्लास्ट होता है और दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। मुझे यार एक बात समझ नहीं आई भाई, यह जो लैंडमाइन होता है यह तो जब टैंक का वजन इस पर पड़ेगा तभी तो ब्लास्ट होगा, बराबर बोला ना भाई? तो वह पाकिस्तानी उस टैंक को लेकर भाग क्यों रहा था? रुक जाता एक जगह, जब टैंक लैंडमाइन पर चढ़ेगा ही नहीं तो वह फटेगा ही नहीं। इतू सा दिमाग नहीं है यार, और चले हैं गुंडे बनने। क्या गुंडा बनेगा रे तू? तो इस वीडियो में विस्तार से हम यही जानेंगे कि यह लैंडमाइन कैसे काम करता है और यह कैसे प्रेशर से एक्टिवेट हो जाता है। लैंडमाइन एक तरीके का बम है जिसको एक्टिवेट करने के लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 15,000 से 20,000 लोग इस लैंडमाइन की वजह से मर जाते हैं, और मरने वालों में 80% सिविलियन ही होते हैं। आज के टाइम में लगभग 78 कंट्रीज के पास में 100 मिलियन से भी ज्यादा लैंडमाइन पड़े हैं, और इनका सबसे ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि यह एक सस्ता बॉम है, और यही सबसे बड़ा रीजन था कि World War II के अंदर इस लैंडमाइन का दबा के यूज हुआ। हमारा इंडिया भी कोई पीछे नहीं है, एंटी पर्सनल लैंडमाइन यूज करने में टॉप कंट्रीज में नाम आता है इंडिया का भी। बेसिकली यह जो लैंडमाइन होते हैं इनका यूज सड़क के पास में या जो ब्रिज होता है वहां पर, या फिर जहां से मिलिट्री के टैंक या ट्रकों का आना जाना होता है वहां पर इनको सेट किया जाता है, ताकि जो मिलिटेंट है उनके मूवमेंट्स को रोका जा सके। लैंडमाइन को जमीन में या तो हाथ से गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है, या फिर इनको सेट करने के लिए निकल मिनी लेयर भी होती है इनको जमीन में सेट करने के लिए। अब यदि लैंडमाइन सेट करने की मशीन है तो इनको ढूंढने की भी मशीन आती है, और ढूंढने वाली मशीन में एक तो मेटल डिटेक्टर आता है, और दूसरे डॉग जो स्निफिंग डॉग होते हैं वह जमीन के अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल को ढूंढ लेते हैं, और आर्मी के पास में ऐसे ढेरों इक्विपमेंट होते हैं जो लैंडमाइन को ढूंढ लेते हैं। लेकिन आजकल जो मॉडर्न लैंडमाइन है उनमें कम से कम लोहे का यूज किया जाता है ताकि मेटल डिटेक्टर उन्हें ढूंढ ना सके, और मोस्टली तो ये ढूंढने का काम जो टैंक होते हैं यह खुद ही कर लेते हैं। और ये भैया ये जो टैंक है ना, इसकी कमाल की टेक्नोलॉजी है, यह बहुत कुछ कर सकता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वह वीडियो आप जरूर देखना। और साइंटिस्ट ऐसा रडार भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो जमीन के अंदर लैंडमाइन है उनको ढूंढ सके। वैसे तो इन लैंडमाइन की पूरे वर्ल्ड में 300 से 350 कैटेगरी है, लेकिन मोस्टली ये 2 ही टाइप के होते हैं जिनके अंदर ये बाकी सब कैटेगरी आती है, जिनमें से नंबर 1 पर है एंटी पर्सनल लैंडमाइन, और जो दूसरा है उसका नाम है एंटी टैंक लैंडमाइंस। जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन है उनका यूज ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है, और इसका मेन पर्पज जिस रास्ते में मिलिटेंट आते हैं वहां पर इनको जमीन में सेट कर दिया जाता है। लेकिन यह मारने से ज्यादा पर्सन को इंजर्ड ही करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनसे मरते नहीं है, मर भी बहुत लोग जाते हैं इनसे। और जो एंटी टैंक लैंडमाइन है उनका भी यूज जो सामने वाली मिलिट्री है उनके इक्विपमेंट है, जैसे ट्रक हुआ, टैंक हुआ, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। इन दोनों का काम करने का तरीका सेम ही है। जो एंटी टैंक लैंडमाइन है उनको ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए, और उसमें एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है वह भी ज्यादा भरा रहता है, जबकि जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन है उनको एक्टिवेट होने के लिए 5 से 15 किलो वजन की जरूरत पड़ती है, और इसमें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है वह ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। अब इस लैंडमाइन को देखो, यह जो इसके सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रेशर प्लेट। जो भी पर्सन या टैंक का प्रेशर पड़ता है वह सबसे पहले इसी प्लेट पर पड़ता है। बाहर की ये जो बॉडी होती है इसको बोलते हैं माइन केजिंग, जिसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा रहता है, और यह माइन केज इस एक्सप्लोजिव मटेरियल को बाहर के एनवायरमेंट से भी सेफ रखता है। यह जो आप पिन देख रहे हो जिसके साथ में स्प्रिंग जुड़ी हुई है यह फायरिंग पिन होती है, और इस फायरिंग पिन को एक्टिवेट जो भी इसके ऊपर प्रेशर डालता है उसके थ्रू यह एक्टिवेट होती है। बीच में यहाँ पर एक डेटोनेटर है, साइडों में एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। जैसे कोई भी बम होता है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए उसके अंदर पहले एक छोटा सा ब्लास्ट करवाया जाता है, और वह छोटा सा ब्लास्ट होता है वह उसमें जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो यह छोटा ब्लास्ट होता है यही डेटोनेटर होता है। एक तरीके से यह डेटोनेटर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसको एक्टिवेट करता है। जैसे होली, दीपावली या कोई फंक्शन होता है तो हम इन फायर क्रैकर्स को जलाते हैं, तो जब इनको जलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है इनको ब्लास्ट होने में, क्योंकि हम जो आग लगाते हैं वह जो भी इसके अंदर एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा होता है उसमें डायरेक्ट आग नहीं लगाते हैं, हम तो यहाँ पर आगे की तरफ एक डेटोनेटर लगा रहता है उसमें आग लगाते हैं, और सेम ऐसे ही बॉम्ब के अंदर होता है।
तो जब कोई भी पर्सन इस लैंडमाइन पर प्रेशर डालता है तो वह प्रेशर सबसे पहले इस प्रेशर प्लेट पर पड़ता है और इस प्रेशर प्लेट के नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लगी रहती है और इस स्प्रिंग के आगे यह फायरिंग पिन होती है और यह जो स्प्रिंग होती है ना यह लोडेड रहती है। तो जब कोई भी पर्सन इस लैंडमाइन पर पैर रखता है तो इसका प्रेशर इस स्प्रिंग पर आता है जो कि लोडेड रहती है और यह अपना प्रेशर रिलीज करती है। तो इस स्प्रिंग के आगे लगी यह फायरिंग पिन स्पीड में जाकर टकराती है डेटोनेटर से। जैसे ही यह डेटोनेटर से टकराती है तो यहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है और इस डेटोनेटर में आग लग जाती है और डेटोनेटर में आग लगती है तो यह जो साइडों में एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है उसमें भी आग लग जाती है और इस लैंडमाइन के अंदर गैसेस रिलीज होती है और बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और फिर जबरदस्त यहाँ पर धमाका होता है। यहाँ पर जो डेटोनेटर है इसमें हाईली सेंसिटिव एक्सप्लोजिव मटेरियल भरा रहता है तो यह आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही किसी का प्रेशर पड़ता है तो यह जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है और फिर जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है उसमें आग लगाता है। जो एंटी टैंक लैंडमाइन होते हैं उनको एक्टिवेट होने में 150 से 350 केजी तक का प्रेशर चाहिए होता है। बाकी उनका भी काम करने का तरीका यह सेम ही है। अब यह जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन होती है यह तीन टाइप के होते हैं जिनमें से ब्लास्ट, बाउंडिंग और फ्रेगमेंटेशन, यह तीन इसके टाइप। इनमें से ब्लास्ट आर्मी सबसे ज्यादा यूज करती है और यह जो फ्रेगमेंटेशन लैंडमाइन है यह जब ब्लास्ट होता है तो इसका जो आउटर लेयर होती है यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और इसके आसपास में 200 मीटर तक के एरिया में जो भी एनिमीज है उनको यह इंजर्ड कर सकती है और इसके एकदम जो पास में है उनको यह मार भी सकती है। कई बार आपने देखा होगा मूवी में कि लैंडमाइन को सड़क के पास में गाड़ देते हैं और एक पतला सा धागा बांधकर लैंडमाइन की पिन से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन या कोई गाड़ी आती है तो इस धागे से बंदी सेफ्टी पिन लैंडमाइन से निकल जाती है और फिर ब्लास्ट हो जाता है और इस टाइप की जो लैंडमाइन होती है इसी को बाउंडिंग बोलते हैं। और जो ग्रेनेड होता है उसका भी काम करने का तरीका थोड़ा इसके जैसा ही होता है। ग्रेनेड की वर्किंग प्रोसेस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो। और वैसे देखा जाए तो लैंडमाइन की लगभग 350 कैटेगरीज अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इनका काम करने का जो तरीका है वह लगभग सबका सेम ही है, बस इनको एक्टिवेट करने का तरीका इनका अलग अलग है। तो दोस्तों यह थी इन लैंडमाइन के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कैसे लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताना। और आपका ऐसे ही साइंस और इनोवेशन से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्ट है तो आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको बहुत से ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू।